सावरी। तो आज बड़ी धूमधाम से दुर्गाना मंदिर में होली उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये उत्सव या तो वृंदावन में देखा जाता है या दुर्गाना मंदिर में देखा जाता है। तो वृंदावन में हमारा अमृतसर भी मिनी वृंदावन है। तो आज होली के उत्सव पर सभी भक्तजन मिलकर होली रंगों के साथ होली खेल रहे हैं और हमारे ठाकुर जी के साथ होली मना रहे हैं। तो बोलो होली के रसिया की, बोलो होली के रसिया की जय। कोरोना वायरस को लेकर जो डर था लोगों में, आज तो नजर आ नहीं रहा क्या? कोरोना वायरस होने का लोगों को डर था, आज उनको वो डर भी भाग गया कि होली ठाकुर जी के साथ आनंद ले रहे हैं, ठाकुर जी के साथ होली मना रहे हैं। तो हमारा अमृतसर भी मिनी वृंदावन है, हमारा दुर्गाना मंदिर मिनी वृंदावन है। और सभी भक्तजनों के यही बेनती की जाती है कि हर साल ऐसे ही बड़ी धूमधाम से होली मनाते हैं, होली का उत्सव मनाते हैं। तो सभी भक्तजनों के यही बेनती की जाती है कि दुर्गाना मंदिर में आकर दुर्गाना मंदिर की रौनक को बढ़ाओ। बोले होली के रसिया की जय। संजीव खन्ना चेयरमैन संकीर्तन दुर्गाना कमेटी। आज होली उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है दुर्गाना कमेटी की ओर से। रंगों खराब और हुए, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर होली खेलने आए हैं। दूर दूर से विदेशों से सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो होली का रंग ऐसा है जो एक बार चढ़ जाए ठाकुर जी का उतरने का नाम नहीं लेता। हर वर्ष यहाँ होली बड़े उत्सव साथ से मनाई जाती है। कोरोना वायरस का खोप पूरी दुनिया में इसमें फैला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोरोना वायरस, हमें क्या लेना देना कोरोना वायरस से? हमें प्रभु के रंग से रंगना है। ये कोरोना वायरस भाग जाएगा, ये पोटेंशियल है विदेशियों का, विदेशियों से बचना है हमने। कोई कोरोना वायरस नहीं है, ये लोगों को अपनी दवाइयों बेचने का कारण बन रहा है। और कोरोना वायरस रंग से दूर हो जाता है, ठाकुर जी की शरण में जाओ, कोरोना वायरस भगाओ। सरकार ने हिदायतें दी हुई है कि कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना जो है वो मनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी आए करते हैं। मुझे ठाकुर जी के जो समर्पित लोग हैं, भक्तजन है, वो तो ठाकुर जी को जानते हैं, ठाकुर जी करने वाले हैं। जब मैं आ जाएगी तो मैं से काम बनने वाला नहीं, इसलिए ठाकुर जी के शरण में जो लोग हैं वो उनको ही जाते हैं। सरकार का जो काम है वो कर रही है, अच्छा कार्य है, उसे अपना काम करना चाहिए। जो भक्तजन वो अपना कार्य कर रहे हैं। और मैं सबको दुर्गाना कमेटी की ओर से लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई देता हूँ। कल फूल होली है दुर्गाना में, शाम को 5 बजे उस होली में आइए। कौन कौन से रंग यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं? कह रहे हैं कि चाइनीज रंग जो है उसमें से ग्रेस करना चाहिए। कोई चाइनीज रंग यूज नहीं किए जाए, ऑर्गेनिक रंग यूज किए जा रहे हैं, अरे रोड के रंग यूज किए जाते हैं, जिससे सावधानी बरती जा रही है। क्या कुछ ऐसा काम ना हो जिससे किसी का नुकसान हो, ऐसा प्रयास है दुर्गाना कमेटी का कि सबको अच्छा ही हो और भगवान लक्ष्मी नारायण इसके लिए अच्छा ही करेंगे। बोल होली के रसिया की जय। आप होली का त्यौहार पूरे देश भर के विच बड़ी धूमधाम दे नाल मनाया जाता है। अज अमृतसर के दुर्गाना तीर्थ मंदिर के विच भी होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम दे नाल मनाया जा रहा है। साढ़े नाल इस समय दुर्गाना तीर्थ कमेटी के मैंबर जिहड़े ने अरुण जी मजूर ने, उन्होंने नाल गलबात करांगे कि किस तरीके दे नाल ये त्यौहार जिहड़ा है मनाया जा रहा है। हाँ जी सर, किस तरीके दे नाल जिहड़ा त्यौहार इत्थे मनाया जा रहा है? ये जिहड़ा होली का त्यौहार है, सारे विश्व के विच सारी दुनिया के विच हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि साढ़े भगवान रामचंद्र जी ने, भगवान कृष्ण ने और देवी देवता सतयुग के विच भी होली का प्रचलन मनिया जाता है। ये साड़ी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है कि इस दिन जिहड़े भी मन च मन मुटाव है, किसी का वैर विरोध है, इस दिन इको रंग दे विच एक दूजे नू रंग गुलाल लगा के वो सारे भुला दिते जांदे ने। तो ये जरा असी रंग है दुर्गाना मंदिर के विच भी बड़ी प्राचीन काल तो ही ये उत्सव मनाया जाता है। ठाकुर जी के संग होली खेली जाती है, ठाकुर जी बाहर आते हैं, उन्होंने नाल सारे हज़ारा की गिनती के विच भगत जड़े ने होली खेलते हैं। इस होली खेलने असी कभी भी चाइना का रंग यूज़ नहीं करते। एक केसू के फुल जड़े है तुसी उधर देख सकते हो, केसू के फुल असी भिओ के प्रकृति कुदरती रंग जड़ा है वह निर्माण करते हैं। हर साल वो सारे ना होली खेलने हैं। और जरा गुलाल भी है सुक्का, वह भी ऑरगैनिक जरा है इस्तेमाल करने हैं, ताकि जरा जिहड़े केसू के फुलों का रंग तो चमड़ी वास्ते भी बहुत ही फायदेमंद है। और साड़ी जिहड़ी संस्कृति है और उदा एक बहुत ही यानी हर चीज़ साड़ी विज्ञानिक है, ये ठाकुर जी की मेहर है। और मैं तुहाडे माध्यम दे नाल सारे भगत ज धार्मिक जनता नूं, भगत जनता नूं ये बहुत बहुत वधाई देना, होली की शुभकामना देना। जय श्री राम। करोना वायरस का एक खौफ है जिहड़ा कि पूरे भारत दे विच फैलिया होया है, जिस तो बाद सरकार ने गुरेज किया है कि जिहड़ा इकट्ठ है वह ना किया जाए। होली ते बड़ा इंस्ट्रक्शन दित्तियां ने उन्होंने कि इन्हां नूं गुरेज किया जाए। इन्हां ऐसा है कि अपने भारत की संस्कृति सादा रहन सहन जिहड़ा ना वो एंटीवायरस है,
ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਦੀ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਾਲਤੂ ਸਾਡੇ ਵਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖਸਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲਦੀ, ਮਾਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਤੀ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਦਿਨ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਓਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਵ ਦੇ ਲਈ? ਇਹਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਟੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭਸੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਦਲ ਹੈ, ਗਿਰਿਰਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਵੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਚਰਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਣਸੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਾਈਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।